Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today I will discuss the cultivation of chili, which is very important vegetable crop. So video शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. So in chili we have to learn its common name first and then scientific name. तो chili होती है, that is इसको हम हिंदी में मिर्ची बोलते हैं. इसके जो common names होते हैं, it is also called hot pepper, साइन पेपर, स्वीट पेपर, शिमला मिर्च, बेल पेपर एंड पेपरिका. सो दीज आर द कॉमन नेम ऑफ चिली. एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ चिली एंड कैप्सिकम इज कैप्सिकम एनम. तो चिली और कैप्सिकम का जो साइंटिफिक नेम बनता है, बोटानिकल नेम बनता है, वो है कैप्सिकम एनम. एंड दिस बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी. और इसके अलावा जो कैप्सिकम एनम में जो कैप्सिकम शब्द है, इसका मतलब क्या है? जो कैप्सिकम शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड कैप्सीमो से बना है. तो कैप्सीमो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू बाइट, मींस काटना, टू बाइट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैप्सिकम ग्रीक वर्ड से बना है. कैप्सीमो इसका मतलब है टू बाइट. और फैमिली इसकी सोलनेसी हो गई. बहुत सारे क्रॉप्स जो सोलनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं अदर देन चिली, दे आर टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल. दीज आर सम अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ सोलनेसी वेजिटेबल क्रॉप. तो चिली भी एक तरह का सोलनेशियस वेजिटेबल क्रॉप है. क्रोमोजोम नंबर इसका जो होता है, दैट इज 2n = 2x = 24. यानी इसका जो क्रोमोजोम है वो डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर है 24. और ओरिजन हुआ है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका में. द नेक्स्ट थिंग इज बॉटनी. इसकी जो बॉटनी में इसका जो देखी जाए तो उसका जो प्लांट होता है उसमें शूट एकदम इरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होती है, टैप रूट सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स इसकी सिंपल होती हैं, फ्लावर्स इसमें सिंगली बॉर्न होते हैं, इसके बाद फ्रूट्स जो होते हैं उसमें वो बेरी होती है. दैन चिली एंड कैप्सिकम क्लासिफाइड एज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है, दैट इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ पर ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ हद तक सेल्फिंग भी होगी और कुछ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. तो फिगर में देख सकते हैं इसके जो वाइट फ्लावर्स होते हैं चिली के, इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स वैसे प्रोड्यूस होते हैं, बट इन जनरल वाइट कलर के फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. और इनमें जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्पेसिफिकली ऑफन क्रॉस का मतलब होता है कि सेल्फ और क्रॉस दोनों होता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो परसेंटेज होता है चिली में, दैट इज 63%. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर दैट जो पॉलिनेशन हो रहा है, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंसी यहाँ पे यूज़ हो रही है, दैट इज़ इंसेक्ट. तो इंसेक्ट में यहाँ पे तीन इंसेक्ट्स मेंशन है, होती हैं बीज, दैट इज़ हनी बी, आंट्स एंड थ्रिप्स. तो ये तीनों जो होते हैं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. और इसके बाद जो उसका टाइप ऑफ फ्रूट है, तो फ्रूट्स जो होते हैं यहाँ पे मल्टी सीडेड बेरी. फिगर में आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे टॉप में इसका स्टॉक होता है, उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं पूरा उसमें अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं सबसे, और उसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम ग्लैंड्स होते हैं जिससे कैप्सिसिन प्रोड्यूस होता है, फिर इंडोकार्प, एक्सोकार्प, म्यूजोकार्प, ये सारे जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट दिया द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चिली. इसके प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडिबल, आई मीन यहाँ पे सारे सीड्स जो होते हैं अपना को प्लेस करते हैं, दैट इज़ प्लेसेंटा. तो ओवरऑल इतना नहीं आता डीप में, बस का जो मेन फ्रूट टाइप है, दैट इज़ मल्टी सीडेड बेरी. द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्शन. तो चिली का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में हो रहा है, दैन फॉलोड बाई चाइना. तो जो इंडिया है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ चिली एंड कैप्सिकम इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई चाइना. और इंडिया में भी अगर बात करें तो इंडियन कंडीशंस में जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिली ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज़ दे आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु. तो इतने एरियाज़ जो हैं, इतने स्टेट्स में चिली का प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा खासा हो रहा है. इंडिया में भी अगर बात करें सबसे टॉप में आता है आंध्र प्रदेश, दैट इज़ 26% ऑफ टोटल एरिया अंडर चिली. तो आंध्र प्रदेश में टोटल 26% एरिया जो है वो चिली के अंदर कवर हो जाता है. महाराष्ट्र में 15% एरिया है, कर्नाटका और उड़ीसा को मिला के, मतलब दोनों में इंडिविजुअली 11% एरिया जो है वो टोटल चिली के अंदर आता है, और हाईएस्ट एरिया जो है वो आंध्र प्रदेश का है. कैप्सिकम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज़ द लीडिंग
सप्लायर ऑफ कैप्सिकम इन ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन के टाइम पे हिमाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा कैप्सिकम सप्लाई होती हैं। दैन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चिली। तो चिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फर्स्ट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो इंडिया है, हमारा देश, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, प्लस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, तीनों है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। चिली के मामले में इंडिया फर्स्ट है। दैन चिलीज आर द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड इट रिफर्स एज यूनिवर्सल स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो हम जब भी घर में बहुत हम कोई चीज़ बनाते हैं खाना, उसमें जो मसाले ऐड करते हैं उसमें चिली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जो चिली है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल स्पाइस ऑफ इंडिया। ये हमारी इंडिया की यूनिवर्सल स्पाइस है। एंड करंटली चिलीज आर यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ स्पाइस। तो यूनिवर्सल स्पाइस है एंड ऑल्सो इन द मेकिंग ऑफ बेवरेज एंड मेडिसिन। तो ये बेवरेज मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। द पाउडर यूज टू बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड लोअर द कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बॉडी में किस तरह से रोल प्ले करता है। तो चिली जो होती है बहुत तीखी होती है, बट इसके अलावा इसका जो एक गुड पॉइंट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। हमारी बॉडी का जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसके अलावा न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है इसकी। विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो 175 म्यूग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है, और विटामिन सी पाया जाता है 111 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। तो इसमें बहुत हाई अमाउंट में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आ सकता है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू से, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा मिनरल्स की अगर बात करें तो जो चिली होती है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन भी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, बट विटामिन ए और विटामिन सी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि वाइल ड्राइंग चिली लॉसेस मोस्ट ऑफ इट्स विटामिन सी। जब हम चिली को ड्राई करते हैं, हीट करते हैं, या सन ड्राई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सुखाते हैं, तो विटामिन सी कंटेंट उसमें कम होने लगता है, लेकिन इट इंक्रीज विटामिन ए कंटेंट बाय 100 टाइम्स, लेकिन विटामिन ए कंटेंट उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश चिली है तो उसमें 175 म्यूग्राम विटामिन ए है, लेकिन अगर आप उसको ड्राई कर दोगे तो आपका विटामिन 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे विटामिन ए का रोल है। और विटामिन सी भी याद रखना है, टोटल विटामिन सी कितना होता है, और ड्राइंग के बाद विटामिन सी कम होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओलेरोसिन। ओलेरोसिन एक तरह का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि हम चिली से बनाते हैं, एंड ओलेरोसिन इज इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज़, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द पंजेंसी। पंजेंसी यानी तीखापन। हम मिर्ची खाते हैं, मिर्ची सबसे ज़्यादा तीखी होती है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तीखापन जो होता है मिर्ची में होता है। तो मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू द एल्कलॉइड। एक एल्कलॉइड होता है उसमें, जिसको बोलते हैं कैप्सिसिन। ये कैप्सिसिन ही होता है जो हमारी मिर्ची में पंजेंसी ऐड करता है। ये एक तरह का एल्कलॉइड होता है विच इज़ क्रिएटिंग पंजेंसी इन चिली। और ये कैप्सिसिन कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा ऑफ द फ्रूट। तो मिर्ची का जो फ्रूट होता है उसके जो पेरिकार्प होती है और अंदर जो प्लेसेंटा होता है जहाँ सीड्स अटैच होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैप्सिसिन पाया जाता है। यू कैन, अभी हमने फिगर भी देखा था, वहाँ पे कैप्सिसिन ग्लैंड्स थे जहाँ से कैप्सिसिन प्रोड्यूस होता है। तो ये कैप्सिसिन एक तरह का एल्कलॉइड है जो कि पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द हॉटर द चिली द कैप्सिसिन इज मोर। मतलब चिली जितनी ज़्यादा हॉटर होगी उतनी ज़्यादा उसमें कैप्सिसिन होगा, दैट इज़ क्लियर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कैप्सिसिन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, यानी जितनी ज़्यादा हॉटेस्ट चिली होगी उतना ज़्यादा कैप्सिसिन है। और जो हॉटेस्ट चिली है पूरे वर्ल्ड में उसका नाम क्या है, वो आता है नाम पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट चिली जो है उसका नाम क्या है, दैट इज़ भूत जलोकिया, भूत जलोकिया या फिर नागा किंग चिली। तो दोनों नाम है इसके, भूत जलोकिया भी बोलते हैं, नागा किंग चिली बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम इसका आता है, तो अभी साइंटिफिक नेम हम डिस्कस करता कैप्सिकम एनम, लेकिन इस चिली का जो साइंटिफिक नेम है, जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, वो है
कैप्सिकम चाइनेंसिस, यानी चाइना में उसका कनेक्शन है, चाइना की ओरिजिनेट होगी, दैट इज चाइनेंसिस, यहाँ पे लर्न करना है। द नेक्स्ट थिंग इसकी जो हीटनेस होती है, अभी हमने डिस्कस करा था कि कितनी ज़्यादा उसमें हीटनेस होती है, तो चिल्ली की जो हीटनेस होती है वो मेज़र करते हैं, यूनिट होती है एस एच यू, दैट इज़ स्कोवोनिल हीट यूनिट, ये इसकी यूनिट याद रखनी है। और नागा किंग चिल्ली सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट चिल्ली है, तो इसकी जो हीट यूनिट है ये इतना होता है। ये एस सच क्वेश्चन तो नहीं आता इससे कि कितनी होती है, बट ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट का नाम है एस एच यू यूनिट, दैट इज स्कोवोनिल हीट यूनिट, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्योंकि जो पंजेंसी होती है वो कैप्सिसिन की वजह से होती है, तो थोड़ा कैप्सिसिन के बारे में देख लेते हैं। कैप्सिसिन अगर ग्रीन चिली में होता है तो ग्रीन चिली में कैप्सिसिन जो है वो ज़्यादा होता है, ग्रीन चिली में 160 to 210 मिलीग्राम पर ग्राम कैप्सिसिन पाया जाता है, लेकिन अगर चिली पक जाती है, पकने के बाद ही कैप्सिसिन उसमें कम हो जाता है, यानी अगर कच्ची मिर्च अगर हम लें ग्रीन चिली तो उसमें कैप्सिसिन तीखापन पंजेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा कैप्सिसिन होता है, लेकिन जब वो मिर्ची पक जाती है पक्की हुई मिर्ची में कैप्सिसिन कम हो जाता है, कितना हो जाता है 113 to 160 मिलीग्राम। तो ये जो लॉजिक वाला क्वेश्चन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि ग्रीन चिली में कैप्सिसिन ज़्यादा है और जब चिली पक जाती है उसमें कैप्सिसिन कम होता है। कैप्सिसिन का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला है इसका C18, यानी कार्बन 18 होता है, हाइड्रोजन 27, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें 3। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैप्सिसिन, कैप्सिसिन जो कि पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द चिली। अब मिर्ची का जो लाल रंग होता है, ये रेड रंग जो होता है ये दो चीज़ों की वजह से आता है, पिगमेंट होती हैं, दैट इज कैप्साथिन एंड कैप्सोरूबिन, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैप्साथिन, जो कि 36% जो है पाया जाता है चिली में, तो कैप्साथिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दोनों ही हैं कंपाउंड है, कैप्साथिन और कैप्सोरूबिन की एक तरह की नेचुरल रेड कलर की डाई है, एक तरह की जो कि जैंथोफिल क्लास ऑफ कैरोटीनॉइड्स के अंदर आता है, मतलब एक तरह के कैरोटीनॉइड हैं, जैंथोफिल हैं, ठीक, कैरोटीनॉइड टाइप की पिगमेंट्स हैं ये दोनों, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करती हैं चिली को। इसके अलावा इन दोनों के फॉर्मूला हैं, जैसे कैप्साथिन जो है उसका फॉर्मूला बनता है C40H56O3, और कैप्सोरूबिन जिसमें ओ से शुरू होती है उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, बाकी फॉर्मूला सेम है C40H56O4। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैप्सोरूबिन। द नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ चिली। तो चिली के जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं इसके अलावा उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी देखने होंगे। पहली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है हमारी कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस को हम बर्ड पेपर और पेरिनियल चिली भी बोलते हैं। इसका एरिया बहुत कम होता है इंडिया में, 5 to 10% एरिया जो है वो कैप्सिकम फ्रूटिसेंस का होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है कैप्सिकम प्यूबिसेंस, कैप्सिकम एक्जिमम, कैप्सिकम कार्डेंसी। इन तीनों की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हमने फ्लावर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वाइट कलर के फिगर में शो हो रहे थे, इसके अलावा वाइट के अलावा यहाँ पे पर्पल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, और पर्पल फ्लावर्स जो होते हैं वो प्यूबिसेंस, एक्जिमम और कार्डेंसी में पाए जाते हैं। प्यूबिसेंस के सीड्स जो होते हैं ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज़ है हमारी कैप्सिकम एनम, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ है, कल्टीवेट इंडिया में सबसे ज़्यादा यही होती है कैप्सिकम एनम। इसके अलावा कैप्सिकम बकाटम जो है इसमें येलो एंथर पाए जाते हैं, और ये दोनों ही स्पीशीज़ कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम बकाटम, ये दोनों ही स्पीशीज़ हैं जिसमें वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चंस में आने के चांसेस हैं कि वाइट फ्लावर स्पीशीज़ और पर्पल फ्लावर स्पीशीज़ से आने के चांसेस हैं ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कैप्सिकम चाइनेंसिस के बारे में, जो सबसे हॉटेस्ट चिली है, इसको भूत जको जोलोकिया और नागा किंग चिली भी बोलते हैं। इसकी पंजेंसी हमने डिस्कस करी थी, सबसे हाईएस्ट पंजेंसी इसकी होती है, पंजेंसी को मेजर करने की जो यूनिट थी दैट इज SHU। द नेक्स्ट इज़ द वेराइटीज़ ऑफ चिली।
तो अभी हमको चिली की वैराइटीज़ पढ़नी है, उसके बाद कैप्सिकम वैराइटीज़ भी देखनी है। तो चिली की जो इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है उसमें सबसे पहले पढ़नी है IARI की वैराइटी, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की वैराइटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो जो न्यू दिल्ली वैराइटीज़ होती हैं पूसा करके इनकी स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पर दो वैराइटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है पूसा ज्वाला एंड पूसा सदाबहार। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूसा ज्वाला से क्वेश्चंस आते हैं, पूसा ज्वाला किस क्रॉप की वैरायटी है, और ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट नाम न मतलब आपको कॉमन नेम्स नहीं दिए होते, पटेटो चिली टोमेटो इस तरह के कॉमन नेम्स नहीं होते, वहाँ पे साइंटिफिक नेम्स दिए होंगे कि पूसा ज्वाला इज़ अ वैरायटी ऑफ, ऑप्शन में होंगे कैप्सिकम एनम और दूसरे साइंटिफिक नेम्स हो सकते हैं वेजिटेबल के। तो द राइट आंसर इज़ कैप्सिकम एनम, यानी चिली की वैरायटी है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है IAHR की वैरायटी, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर की जो वैरायटीज़ हैं जिनकी शुरुआत होती है अर्का करके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में अर्का अभीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटी जो है पर्टिकुलरली यूज़ होती है कलर एक्सट्रैक्शन के लिए, अर्का अभीर। इसके अलावा अर्का सूफल, अर्का लोहित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में हाइब्रिड वैरायटीज़ डिस्कस करनी है, जो IAHR की हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो हैं अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता। ये तीन वैरायटीज़ जो हैं वो हाइब्रिड हैं, बाकी जो अर्का की इतनी हमने वैरायटीज़ डिस्कस करी हाइब्रिड नहीं थी, हाइब्रिड वैरायटी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी आई अगेन टेल यू, ये जो थी अर्का की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉर्मल वैरायटी थी, हाइब्रिड वैरायटी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता, ये हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट IIVR दैट इज़ जो वाराणसी में है उसकी जो वैराइटीज़ हैं दैट इज़ काशी सुरख, काशी अली, काशी अनमोल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ चिली। उसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ जो हैं उसमें आती है बेदागी, वरंगल चिली, KT19 इम्पॉर्टेंट है, ये जो कलर्ड से मैंने ग्रीन कलर से बना रखे हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, KT19 इम्पॉर्टेंट चिली वैराइटी है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी जो सुटेबल है ये पाउडर और एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए सुटेबल है। पंत चिली वन, यानी ये पंतनगर से रिलीज हुई वैरायटी है। पंजाब लाल इम्पॉर्टेंट है, पंजाब लाल में क्या स्पेशलिटी है, तो जो पंजाब लाल है उसमें ये है कि पंजाब लाल वैरायटी जो है ये भी कलर एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत यूज़ होती है। इससे पहले हमने अर्का अभीर देखी थी, अर्का अभीर कलर एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है और पंजाब लाल भी कलर एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है। G2 वैरायटी है, G3 वैरायटी है, G4 भाग्य लक्ष्मी वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा G5 आंध्र ज्योति, CO2, CO3, CH1 PAU यानी पंजाब की वैरायटी है, CH3 PAU। कोंकण कीर्ति ये वैरायटी है एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोंकण कीर्ति ये एक्सपोर्ट वैरायटी है एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। दैन PKM1 K1 K2 MDU1 ये इंपॉर्टेंट है, MDU1 क्यों, क्योंकि ये म्यूटेंट वैरायटी है। क्वेश्चन आ सकता है कि चिली की म्यूटेंट वैरायटी का नाम क्या है, दैट इज MDU1 प्लस उसमें किस तरह का म्यूटेशन हुआ है, गामा रे का म्यूटेशन हुआ है। इसके नेक्स्ट आती है फूले ज्योति, फूले मुक्ता, हिसार से आती है हिसार शक्ति, हिसार विजया, पूरी रेड एंड ज्वालामुखी। तो मिर्ची कैसी होती है, बहुत पंजेंसी उसमें होती है, यानी बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है, तो पंजेंसी के कारण एकदम ऐसा लगता है बहुत गर्म है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी बहुत ही इजी रिलेट कर सकते हैं हम कैप्सिकम से या चिली से। इसके अलावा इसकी स्पेशलिटी ये है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होती है, पंजेंसी इसकी थोड़ी सी कम है, नाम भले इसका ज्वालामुखी है पर इसमें तीखापन पंजेंसी कम होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है उत्कल रश्मि। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वैराइटीज़ ऑफ कैप्सिकम। अभी तक हमने जो वैराइटीज़ डिस्कस करी थी दे आर चिली, वो चिली की वैराइटी थी, अब कैप्सिकम की जो वैराइटीज़ हैं उसमें ये सिर्फ इतनी वैराइटीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट F1 हाइब्रिड। तो हमारी इंडिया में सबसे पहली F1 हाइब्रिड वैराइटी जो थी कैप्सिकम की उसका नाम था भरत, वो रिलीज़ हुई थी 1973 में। तो ये भरत इंपॉर्टेंट वैरायटी है कैप्सिकम की। इसके अलावा दूसरी हाइब्रिड वैरायटी है पूसा दीप्ति, जो कि पूसा यानी पता है आपको कहाँ से रिलीज़ होगी, दिल्ली से रिलीज़ हुई है। उसके अलावा कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी USA से, दैट इज़ अर्का मोहिनी एंड अर्का गौरव। अर्का मोहिनी और अर्का गौरव USA से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है कैप्सिकम की। उसके अलावा इंट्रोड्यूस वैरायटी फ्रॉम हंगरी, हंगरी की है अर्का बसंत।
उसके अलावा कुछ और वैरायटीज़ में है स्वीट बनाना, ये मैंने ग्रीन कलर से लिखी है, दैट इज़ ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वैरायटीज़ है, जैसे नाम है इसका स्वीट बनाना, तो यू नो बनाना एक फ्रूट होता है केला, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वैरायटी है कैप्सिकम की वैरायटी है स्वीट बनाना, ये है कैप्सिकम की वैरायटी। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर एंड किंग ऑफ नॉर्थ। तो स्वीट बनाना और किंग ऑफ नॉर्थ दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं कैप्सिकम की। द नेक्स्ट थिंग इज़ इसका जो कल्टीवेशन होता है, इसका जो क्लाइमेटिक ईयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो इंडियन कंडीशंस में जो चिली होती है दैट इज़ प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मिर्ची प्रोड्यूस होती रहती है। टू क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन खरीफ एंड रबी सीजन द कंट्री। तो हमारी इंडिया में थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज की जो सोइंग होती है वो खरीफ और रबी दोनों टाइम पे हो सकती है। खरीफ सोइंग जो होती है वो खरीफ टाइम यानी इसकी जो सोइंग होती होगी वो कब होती होगी, जून जुलाई मानसून वाले टाइम पे इसकी सोइंग होती होगी। रबी सीजन की जो क्रॉप होती है इसकी सोइंग कब होती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसकी सोइंग होती है। तो दो बार हम इसकी सोइंग करते हैं, दैट इज़ वाई ये हमारे इंडिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होती रहती है। ग्रोइंग टेम्परेचर इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द क्रॉप कैन बी ग्रो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल अप टू 2100 मीटर्स। तो इतना ऊंचाई पे हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। चिली में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फ्लावर ड्रॉप किस टेम्परेचर पे होते हैं। तो अगर टेम्परेचर 35 से बढ़ जाएगा यानी हायर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर होने लगेगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। द नेक्स्ट इज सीड वायबिलिटी, इसकी कितने टाइम तक रहती है। तो 2 ईयर्स तक यहाँ पे टाइम रहता है, सीड जो होते हैं 2 साल तक वायबल रहते हैं। सीड रेट जो होता है वो 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर होता है। सीड रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेसिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पेसिंग यहाँ पे 40 बाय 30 सेंटीमीटर होती है, यानी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग जो है यहाँ पे ये है। तो रो टू रो 40 और प्लांट टू प्लांट 30 होगी। इसके अलावा यहाँ पे चिली को हम बेसिकली ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट है कि रिक्वायर चिली सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी सीडलिंग्स रिक्वायर होती हैं, 50,000 से 60,000 चिली प्लांट्स की ज़रूरत होगी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। दैन मेन प्लांटिंग सीज़न अगर जो था वो हमने डिस्कस करा है, जून जुलाई यानी खरीफ सीज़न अगर होगा तो जून जुलाई और नवंबर मार्च तक का जो टाइम होता है वो होता है रबी के लिए। तो रबी टाइमिंग जो है नवंबर से लेकर पूरा मार्च तक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद चिली की फ्रूट का जो ड्राइंग टेम्परेचर है वो कितना होता है, दैट इज़ 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2-3 डेज। तो 2-3 दिन के लिए अगर हम चिली को इस टेम्परेचर पे रख के ड्राई करेंगे दैट इज़ अ चिली फ्रूट ड्राइंग टेम्परेचर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द ईल्ड। तो हम अपने इंडिया में जो चिली कल्टिवेट करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर हम प्रोड्यूस हो सकती है चिली। इसके अलावा हमारे पास अगर इरिगेटेड कंडीशन है या रेनफेड कंडीशन है, हम उस दोनों कंडीशन में चिली को कल्टिवेट कर सकते हैं। ग्रीन चिली की जो ईल्ड आती है इरिगेटेड कंडीशन में दैट इज 7.5 to 10 tons per hectare और रेनफेड कंडीशन में इसकी ईल्ड आती है 1.5 to 2.5 tons per hectare। तो इरिगेटेड में ऑब्वियसली इरिगेटेड कंडीशन में ईल्ड ज़्यादा होती है। ड्राई चिली अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ड्राई चिली की ईल्ड होगी इरिगेटेड कंडीशन में 2 to 2.5 tons per hectare और रेनफेड में कम हो जाएगी 0.5 to 1 tons per hectare। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रीन चिली की ईल्ड जो है ड्राई चिली से ज़्यादा आती है एंड जनरली द ईल्ड ऑफ ग्रीन चिली इज 3 to 4 times higher देन ड्राई चिली। तो कितना ज़्यादा आ रही है, 3 to 4 times higher होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज 100 kg ऑफ राइप फ्रूट्स गिव्स 25 to 40 kg ऑफ ड्राई चिली। तो 100 किलोग्राम की जो मिर्ची होती है पकी हुई उससे इतना सूखा मिर्ची जो है 25 से 40 kg ड्राई चिली प्रोड्यूस हो जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस अगर हमें लिखना है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, तो अगर हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना होगा जो कि 400 मीटर होता है। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस डिपेंड करता है उनके पॉलिनेशन पे, और चिली ऐसी पॉलिनेशन होता है चिली में होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 400 मीटर के आसपास यहाँ पे होना चाहिए।